Hey everyone and welcome back to the channel, and I wish you a very happy new year and a great year ahead. And guys, in today's video I'm going to tell you very important information. So मैंने आपके साथ में एक वीडियो शेयर की थी लास्ट वीक में, जहाँ पे गवर्नमेंट इंटर्नशिप मैंने आपके साथ शेयर की थी. ऑल्सो मैंने वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन किया था कि क्या आपको पता है कौन सी ऐसी इंटर्नशिप्स है जिसके लिए आप थ्रू आउट द ईयर अप्लाई कर सकते हैं. तो मैंने आपको दो ऑप्शन दिए थे कि या तो आप मुझे इंटर्नशिप का नाम बताओ अगर आपको पता है, अदरवाइज आप मुझे आई डोंट नो लिखो कॉमेंट में, सो दैट मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँ जहाँ पर मैं आपको बता पाऊँ कि कौन कौन सी इंटर्नशिप्स के लिए आप थ्रू आउट द ईयर अप्लाई कर सकते हैं. सो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कमेंट किया आई डोंट नो, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया. तो उसी के बेसिस पर ये वीडियो होने वाली है. एंड गाइज ये जो वीडियो है इसमें जो इंटर्नशिप्स मैं आपको बता रही हूँ ये इंटर्नशिप्स थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होती है. तो इस वीडियो को आप कभी भी देख रहे हैं, किसी भी टाइम देख रहे हैं, वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है. सो मेक श्योर वीडियो को कंप्लीट देखना. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट ऐसी अमेजिंग अपडेट्स आपको मिल जाए. एंड यहाँ पर मैं बेसिकली आपको 3 ऐसी इंटर्नशिप्स बताने वाली हूँ जिसके लिए आप थ्रू आउट द ईयर अप्लाई कर सकते हैं. सो और भी ऐसी इंटर्नशिप्स है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर. इस वीडियो में उसको कवर नहीं कर रही हूँ बिकॉज वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगी. सो इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं उन बाकी इंटर्नशिप्स को भी एड ऑन करूंगी. सो जल्दी से इन इंटर्नशिप्स को डिस्कस कर लेते हैं. ऑल्सो यहाँ पर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, स्टाइपेंड के बारे में भी बात करेंगे और एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे. सो फर्स्ट इंटर्नशिप जो कि थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल रहती है गाइस वो है आपकी नीति आयोग की इंटर्नशिप. सो नीति आयोग जो है ना बेसिकली पॉलिसीज बनाता है, पॉलिसी फॉर्मेशन करता है, जितनी भी पॉलिसीज गवर्नमेंट के अंडर बनती है वो सारी पॉलिसीज पे ये वर्क करता है. सो इस गवर्नमेंट बॉडी के साथ में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं. इस इंटर्नशिप के लिए आप हर महीने 1st से 10th के बीच में अप्लाई कर सकते हैं. सो आज 2 जनवरी है जब मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो ये इंटर्नशिप अभी जो है अवेलेबल है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. और ये जो इंटर्नशिप है गाइज ये आपकी नॉन पेड इंटर्नशिप होती है, इसके लिए आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता है. सो नीति आयोग की जो इंटर्नशिप है ना गाइज इसके लिए जो ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम से, और जो रिसर्च स्कॉलर है वो अप्लाई कर सकते हैं. और इसके लिए आप पैन इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हैं. सो आप सब लोगों के लिए इंटर्नशिप अवेलेबल है. जितने भी लोग गवर्नमेंट के साथ में इंटर्नशिप करना चाहते हैं उनके लिए ये इंटर्नशिप जो है ये अवेलेबल होती है थ्रू आउट द ईयर. एंड इस इंटर्नशिप के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. अब पढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं हमारी जो सेकंड इंटर्नशिप है उसके बारे में. सेकंड इंटर्नशिप है आपकी एनसीजीजी के साथ में, नेशनल सेंटर ऑफ गुड्स गवर्नेंस के साथ में. सो ये इंटर्नशिप की पूरी डिटेल्स मैं लेटेस्ट आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ. सो इसके भी एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं, इसके भी एप्लीकेशन हर महीने 1st से लेकर 10th के बीच में होते हैं. सो ये जो इंटर्नशिप है इसके लिए भी इसका जो अप्लाई बटन वो लाइव है, आप डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. ऑल्सो गाइज मैं चाहूंगी कि इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों के साथ में शेयर करना, उन लोगों के साथ में शेयर करना जो कि इंटर्नशिप सर्च कर रहे हैं, सो दैट ये वीडियो उनको हेल्प कर पाए. एनसीजीजी की अगर हम इंटर्नशिप की बात करें इसके लिए भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो परस्यू कर रहे हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पर जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं. एंड ये सारे डोमेन्स हैं, इन सब डोमेन्स में आप जो है अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हैं. सो ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपको यहाँ से मिल जाती है. किसी एक सेगमेंट में आप इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स आपको मिल जाते हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंगली अपना जो सेगमेंट है उसको चूज कर सकते हैं. और इस इंटर्नशिप में आपको 10,000 रुपीज़ स्टाइपेंड भी पे किया जाता है. एंड ये जो इंटर्नशिप है आपकी 2 मंथ से लेकर 6 मंथ्स के बीच में होती है. सो आपकी चॉइस होती है कि आप कितने मंथ्स की इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो ये बेनिफिट जो है आपको इस इंटर्नशिप से मिल जाता है. अब बढ़ते हैं हमारी थर्ड इंटर्नशिप की तरफ. सो थर्ड इंटर्नशिप जो है वो एनएचआरसी के साथ में, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया के साथ में. सो बेसिकली ये जो गवर्नमेंट बॉडी ये ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है. सो गाइज यहाँ पे समर इंटर्नशिप भी होती है, विंटर इंटर्नशिप भी होती है. समर इंटर्नशिप जो है आपकी मे टू जून होती है और जो आपकी विंटर इंटर्नशिप होती है वो December to January होती है. इन 4 मंथ्स के अलावा बाकी मंथ्स में आप इसकी जो अदर शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप्स है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो कोई भी डेट नहीं है, आप किसी भी डेट पर उन इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो एनएचआरसी की जो इंटर्नशिप्स होती है ये थ्रू आउट द ईयर अप्लाई होती है. इसकी अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, सो वो लोग जो कि अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, LLB परस्यू कर रहे हैं, मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, कोई BA LLB कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं, BBA LLB कर रहे हैं, वो यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं. एंड ये भी जो है आपकी पेड इंटर्नशिप होती है. अब ये जो तीनों इंटर्नशिप्स मैंने आपके साथ शेयर की है तीनों की तीनों गवर्नमेंट के साथ में है. एंड इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ से सर्टिफिकेट भी मिलता है एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मिलता है, साथ में एक अच्छा एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पर मिलता है. अब गाइस बिकॉज ये सारे इंटर्नशिप्स ओपन है तो आई एम श्योर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते होंगे. तो जो इसके एप्लीकेशन लिंक है, बेसिकली इनके जो वेबसाइट्स के लिंक है वो मैंने डायरेक्टली आपको दे दिए हैं, वहीं से आप इनकी गाइडलाइंस को भी गो थ्रू कर सकते हैं. और जो एनएचआरसी एनएचआरसी की गाइडलाइन पीडीएफ में है, उस पीडीएफ का लिंक भी मैंने आपको दे दिया है सो दैट आप इजीली उनको एक्सेस कर पाए। तो गाइज आई एम श्योर ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। एंड अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, कोई भी कंसर्न है ना, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप इंटर्नशिप सर्च कर रहे हैं तो ये चैनल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। आई विल सी यू सून विद न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी।